वैसे तो हरियाणा के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, अग्निशमन सेवाओं के लिए हमने इसमें अलग तरह से कार्य किए हैं, अलग तरह से एक हेड ऑफिस के लेवल पर डायरेक्टर की स्थापना की गई है, जिसमें ना केवल शहरों के अंदर बल्कि हरियाणा के जितनी भी फायर सर्विसेज है वो उसी डायरेक्टरेट से रिलेट की जाती है। और जिस तरह से अभी हाल ही में सूरत के अंदर जो एक भयानक हादसा हुआ जिसको बुलाया नहीं जा सकता, और उसके मद्देनज़र रिव्यू करते हुए कि हरियाणा के अंदर जो हमारी अग्निशमन सेवाएं हैं उसका ऑन ग्राउंड धरातल पर क्या रियलिटी है और किस तरह के बचाव कार्य हम लोग कर सकते हैं, और यहां पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन सबके इंस्पेक्शन को लेकर एक विस्तृत योजना बनाने के लिए आज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है। और उसके अंदर प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले निर्देश यही दिए गए हैं कि हरियाणा की जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हैं, चाहे वो स्कूल, कोचिंग सेंटर, हमारे होटल्स, हॉस्पिटल्स, हमारे स्टेडियम, सिनेमा हॉल्स, इस तरह के सभी बिल्डिंग्स का एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उनका जून के एंड तक विद इन 30 डेज एक निरीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए। और इसके लिए बकायदा हम लोगों ने एक टीम का गठन किया है, जिसके अंदर हमारे एक हेड ऑफिस से अधिकारी, हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर्स और नोडल अधिकारी के रूप में हमारे CTM या SDM या ADC वो जिले लेवल पे डिसाइड किए जाएंगे। उसमें हमने एक टीम बनाई है और सभी DCs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले नगर निगमों में, उसके बाद नगर परिषद में, फिर नगर पालिका के स्तर पर इंस्पेक्शन कराई जाएगी। और इसके अंदर हम, क्योंकि जहां पर भी कहीं पर भी अगर आग लगेगी तो एक ऐप हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सपोज़ गोहाना के अंदर आग लगती है तो एक हेड पंचकुला हेड ऑफिस पर इसकी सूचना इमीडिएट मिले, ताकि आसपास की जो भी गाड़ी अवेलेबल हो वो वहाँ पर पहुँचाई जाए। इस तरह के निर्देश भी हम लोगों ने दिए हैं। और इसके साथ साथ जो वर्तमान के अंदर हमारे पास क्या फायर, कितने फायर स्टेशन हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, कितने छोटे व्हीकल्स हैं और कितने हमारे पास फायर इक्विपमेंट के साथ साथ जो हमारे फायर मैन्स हैं और किस तरह के सुरक्षा प्रबंधन उनके लिए भी किए गए हैं, वो भी इसके अंदर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और वैसे तो हर साल अप्रैल के महीने में गर्मी की शुरुआत से पहले चांसेस होते हैं कि आग लगने के, तो 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हर वर्ष हम लोग सप्ताह मनाते हैं। और इस वर्ष भी पूरा बाकायदा शेड्यूल तैयार करके तो सभी जगह स्कूल्स के अंदर, ओपन एरियाज़ के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने डेमो किए हैं, ताकि हम सुरक्षा के जो उपायों से भी अवगत करा सकें। लेकिन हाल ही का असर देखते हुए और व्यापक किस तरह से हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाए और उसको अलग अलग मीडिया के माध्यम से भी उसको प्रसारित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके साथ बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जो स्लाइड्स चलती हैं, ताकि बचाव के उपाय हम लोगों तक पहुंचा सकें। और जो अगर हम, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास वर्तमान में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, क्योंकि ये सुनने में आता है कि फायर सेंटर जो है वीक हैं या कहीं सेंटर गाड़ी प्रेस हैं या उसमें जाते हैं तो काम नहीं कर पाते, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जब हरियाणा में, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग स्ट्रेंथन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एट प्रेजेंट हमारे पास 86 फायर स्टेशन है और उसके अंदर छोटे बड़े व्हीकल्स अगर हम मिलाएं तो 434 हमारे पास व्हीकल्स हैं जो बिल्कुल कंडीशन, जिनकी बहुत अच्छी है। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो 1408 के करीब हमारे पास फायरमैन और जो फायर ड्राइवर्स हैं वो हमारे पास हैं, और कुछ भर्तियां हमारी ड्यू है जिसकी कि SS बोर्ड के माध्यम से भर्तियां भी निकाली गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि कुछ हमारे सिटीज़ ऐसे हैं, सपोज़ हम जैसे गुरुग्राम की बात करें, पंचकुला की बात करें, और अब डे बाय डे हाई राइज बिल्डिंग भी बढ़ रही है, तो एट प्रेजेंट जो हमारे हाइड्रोलिक लैडर की बात करें तो 2 हमारे पास हैं ऑलरेडी, और 4 के नए जो हमारे प्रस्ताव बिल्कुल तैयार हैं, हाई पावर परचेज में हमारे वो पेंडिंग है और मुझे उम्मीद है कि उसको शीघ्र ही हम लोग खरीद लेंगे। और उसके अलावा भी 100 नई गाड़ियों का प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं और
57 के करीब जो हमारी गाड़ियां हैं वो हम खरीद चुके हैं, और जो फैब्रिकेशन का कार्य है उनका लगभग पूरा होने वाला है, और शीघ्र ही हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी स्थानों पर। ये बड़ा आमतौर पे शिकायत रहती है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी। जी, ये आमतौर पे देखने में आता है कि लोग जो हैं खासकर जो कमर्शियल एरिया में जो रेंटल जिन्होंने दे रखा है वो अपना लोड जो है डिक्लेयर नहीं करते, कोई आप बिजली निगमों से बात कर कर लोकल बॉडी ऐसी बात करके कोई ऐसा अभियान चलाएंगे कि इन दिनों में जो है लोड डिक्लेयर करें ताकि उस हिसाब से बिजली विभाग भुगतान कर सके। बिल्कुल, मैक्सिमम घटनाएं ऐसी ही आती हैं। देखिए, जो अब इंस्पेक्शन की जो हम लोगों ने बात की और ये टीम का गठन भी इसीलिए किया गया है कि जो बारीक से बारीक जो अग्नि लगने के जो पहलू हैं उनके हिसाब से इन सभी बिल्डिंग्स पर हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, और मैं समझती हूँ कि कोई भी अधिकारी इस तरह की कोताही नहीं बरतेगा जहाँ पर जनता की जान माल के साथ एक जोखिम में लाया जा सके, और एक फेयर इंस्पेक्शन होगा जिसमें सब पहलुओं की जाँच की जाएंगी, और चाहे उसके अंदर बचाव के साधन हो या अग्नि लगने की क्या क्या चीज़ें, चाहे उसमें इस तरह से बिजली से संबंधित हो या अन्य कारण हो, या किस तरह से अगर आग लगने की दिशा में कि बचाव से भागा कैसे जा सकता है, कैसे बचा सकता है, कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं या नहीं है। सो सभी पहलुओं पर मैं समझती हूँ कि पूरा एक जो रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया उसमें एक प्री रिपोर्ट पहले सबमिट करेंगे वो, और उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, और पूरा मैं समझती हूँ कि हर बारीक से बारीक पहलू के हिसाब से इस बार निरीक्षण किया जाएगा ताकि कोई कोताही ना बरते। जो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले हम निगमों के अंदर आने वाले सभी, जैसे जहाँ पर क्राइटेरिया हमने रखा जहाँ पर मासिस में लोग होते हैं, मासिस जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है और जहाँ पर भगदड़ मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिनेमा हॉल है, स्टेडियम्स हैं, सो कोचिंग सेंटर है, सो फर्स्ट होटल्स हैं, फाइव स्टार होटल हम फर्स्ट फेज में लेंगे, कि जहाँ पर एक तो हाई राइज बिल्डिंग है और दूसरा क्राइटेरिया है जहाँ पर मासिस के अंदर पब्लिक है, जहाँ पर भगदड़ मचने की संभावना है, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया वो रहेगा। और उसमें क्योंकि हमारे पास क्योंकि एक टीम का गठन करना पड़ता है, फायर ऑफिसर्स हमारे पास लिमिट में है, तो इसलिए हमने एक शेड्यूल भी तैयार किया है कि पहले हम निगम के अंदर, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादातर उनमें है, उसके बाद हम नगर परिषद, फिर नगर पालिकाओं के अंदर आने वाली बिल्डिंग्स लेंगे। और इसके अंदर जहाँ तक कोचिंग सेंटर जैसे स्कूल का, उसके अंदर हमने ये नहीं है कि कह देंगे कि ये तो हमारे पास इलीगल है, तो हमने इस चीज़ को भी इसके अंदर लिखा है, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो, सब चीज़ों को अग्नि की दृष्टि से, फायर की दृष्टि से सभी बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा। एक ये तो आग बचाने के, आग जी जी तो बुझाने के उपाय आमतौर पर ये देखा गया कि आग लगने के बाद बुझाने के तो पर्याप्त है, जी जिंदगी को कैसे बचाया जाए, कोई हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, जैसे सूरत का ही है, ऊपर से कोई ऐसा होता जो एक कोई बचाव का जान बचाने का जो अभी तक जो कमी है वो खलती है कि लोगों की जान बचाने का कोई उपाय या फिर उनकी जो तलाश है वो हमारे पास नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सूरत के अंदर अगर आप, क्योंकि वीडियो भयानक एक दिल दहलाने वाला वीडियो हम सब ने देखा, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो यही है कि आम लोगों तक, हर किसी तक, कि जब भी आग लग जाए तो उसके अंदर सबसे पहले जो अंदर फंसने वाले लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, इमीडिएट इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो बिल्डिंग जिस तरह से बनी हुई थी तो वहाँ पर फायर सेफ्टी, अगर फायर लग जाए तो भागेंगे किस रास्ते से, वो उस चीज़ की कमी थी, वो इंस्पेक्शन का ही एक पार्ट हो सकती है कि स्ट्रिक्टली इंस्पेक्शन हो और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में किस फ्लोर पर अगर आग लगती है तो उस फ्लोर से एग्जिट होने के क्या चीज़ें हों, कि वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फायर ऑपरेटर जो भी पहुंचेगा वहाँ पर, दमकल की गाड़ी पहुंचेगी या फायरमैन पहुंचेंगे, उसके अंदर क्या फैब्रिकेशन है, किस तरह से उसके अंदर हम लगा सकते हैं, वो एक मैटर है कि वो कितनी देर में पहुंचता है, लेकिन सबसे जो प्री मैटर है जो सेविंग का, क्योंकि जितनी जल्दी आग लगती है और जिस तरह से बच्चे, हमने देखा कि बच्चे घबरा कर बाहर भी कूद रहे हैं और अपनी जान को लगा रहे हैं,
तो सबसे पहले तो हमें बिल्डिंगों पर काबू पाना होगा कि वो प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने, और हमें अवेयरनेस जो है कि कैसे बचाव, अगर आप आग लग जाती है तो अंदर से बचाव हम लोग पहले कैसे कर सकते हैं। थर्ड चीज ये है कि हमारी स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, और एक बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के क्या क्या जो मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए कि वो बिल्डिंग के ऊपर और उसके अंदर मासिस कितना होता है, और जो भी कोई परमिशन दे वो एक स्ट्रिक्टली फॉलो हम लोग इन सब चीज़ों को करते हुए करें, तो मैं समझती हूँ तभी बचाव हम लोग कर सकते हैं, एक मिलकर एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं। नहीं 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 आप ही का चाहिए, और नहीं है ना समय, वो तो आप स्लोट लेंगे।